अस्सलाम वालेकुम एवर, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ढेर सारी दुआओं के साथ। हानिया फूड से आज हम अंडा करी की रेसिपी आपको बताने लगे हैं। ये हमने चार अदद अंडे ले लिए, इनको हमने बॉईल करके काट लिया है। अब बाकी रेसिपी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ये देखिए, हमने दो दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको हमने बारीक काट लिया है। ऑयल हमने गर्म कर लिया अपना। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसको लाइट कलर में रखना है, डार्क ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए इतना हमारा लाइट कलर हो गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का एक पेस्ट डालने लगे हैं 1 टेबलस्पून भर के, और साथ में हमने हरी मिर्च को काट पीस के वो भी डाल दिया इसके अंदर। ये देखिए हमने अदरक लहसुन का थोड़ा सा सोते करेंगे, उसके बाद हम बाकी मसाले डालेंगे इसके अंदर। दो दरमियाने साइज़ के हमने टमाटर काटे हैं जो इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखिए हम नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। 1 टीस्पून हमने लाल मिर्ची पाउडर डालना है। 1 टीस्पून हमने 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर। मसाले को हमने अच्छे से भूनना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने 2 चम्मच भर के हमने दही लिया है, इसमें हम बेसिल थोड़ा सा डाल रहे हैं और थाइम को भी हम थोड़ा सा डालेंगे, और साथ में इसके अंदर हम रोज़मेरी डालेंगे। इससे फ्लेवर अच्छा बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जो हमने दही में बेसिल और थाइम डाली है, रोज़मेरी, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब हम 5 मिनट के लिए मसाले को ढक के रख देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर अंडे डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसमें अंडे रखेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा अंडा करी तैयार है, बहुत मज़े का बनता है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, डिफरेंट बनाइए, ज़रूर देखिएगा कि आपको कैसे लगे, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए मुझे ज़रूर। और हानिया फूड से अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ढेर सारी दुआओं के साथ, अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा।